हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी वॉइस। इब्ने सफ़ी का जासूसी उपन्यास हीरे की कान। रमेश अपने फ्लैट के एक कमरे में बैठा एक पुस्तक पढ़ रहा था। वो एक आराम कुर्सी में धंसा हुआ था। एक पैर सामने वाली मेज़ पर था और दूसरा फैली हुई टांग पर। टाई की गांठ ढीली होकर सीने पर झूल रही थी। फेल्ट हैट ललाट पर था और बिखरे हुए बाल भ्रुकुटियों पर लहरा रहे थे। उसने आज प्रातःकाल शेव भी नहीं किया था। इस कारण गोरे गोरे गलाल कपोलों पर बालों की खूंटियां कुछ विचित्र सी प्रतीत हो रही थी। इस कमरे में चारों ओर पुस्तकें थी। अलमारियों में पुस्तकें, मेज पर पुस्तकें, कुर्सियों पर पुस्तकें, फर्श पर पुस्तकें, आराम कुर्सियों के चौड़े चौड़े हत्थों पर पुस्तकें। यहाँ तक कि उसकी गोद में भी दो तीन पुस्तकें पड़ी हुई थी। पूरे कमरे का हुलिया कुछ विचित्र सा था। फर्श पर सिगरेटों के अनगिनत जले हुए टुकड़े और जली हुई दिया सलाइयाँ बिखरी पड़ी थी। अलमारियों में पुस्तकों के बीच कहीं कहीं मैले तथा फटे हुए मोजे दिखाई देते थे। लिखने की मेज़ पर सिगरेटों की खाली डिब्बियाँ, दाढ़ी बनाने के सामान, कुछ नए पुराने समाचार पत्र तथा मासिक पत्रिकाएं, दो एक चाय की प्यालियाँ जिन पर हल्के लाल रंग के धब्बे थे, एक आध मैले कुचेले रुमाल और न जाने क्या क्या अला बला का ढेर था। दीवारों पर दो एक कैलेंडर थे जिनमें पिछली तारीखें अब तक लगी हुई थी। रमेश ने पुस्तक पढ़ते पढ़ते सर उठाया और फेल्ट हैट ललाट से सरक कर नीचे फर्श पर आ रहा। उसने बुरा सा मुंह बनाया और पुस्तक पीछे की ओर उछाल दी। फिर एक चीख सुनाई पड़ी। रमेश ने मुड़कर देखा, द्वार पर सरला खड़ी बिसर रही थी। पुस्तक उसके चेहरे से टकरा गई थी। उसने झुक कर पुस्तक उठा ली और रमेश को घूरने लगी। रमेश ने अपनी गोद में पड़ी हुई पुस्तकों में से एक पुस्तक उठाई और पढ़ने लगा। ऐसा जान पड़ता था जैसे कोई बात ही न हो। फिर उसने वह पुस्तक भी मेज़ पर पटक दी और सरला की तरफ देखा, जो अभी तक उससे बराबर घूरे जा रही थी। मैं कहता हूँ कि आखिर इस प्रकार की पुस्तकें छापने से क्या लाभ, और मैं कहती हूँ कि तुम्हारे जीवन से क्या लाभ, सरला ने मुँह बनाकर कहा। मैंने इस प्रश्न पर आज तक कभी विचार नहीं किया, रमेश ने धीरे से कहा और पुस्तक उठाकर फिर उसे उलटने पलटने लगा। सरला ने फर्श पर पड़ा हुआ फेल्ट हैट उठाकर साफ किया और मेज़ पर रख दिया। फिर कुछ देर तक मुंह बनाए हुए चारों ओर देखती रही और सहसा गरज कर बोली, तुमने फिर पुस्तकें इधर उधर फैला दी। रमेश ने पुस्तक मेज़ पर रखकर एक लंबी अंगड़ाई ली और ललाट पर बिखरे हुए बाल हटाकर खड़ा हो गया। तुम्हारे पास कुछ पैसे होंगे, उसने सरला से पूछा। क्यों, मुझे एक पैकेट सिगरेट ला दो। मैं ये पूछने आई थी कि हम लोग दोपहर का भोजन कहाँ से खाएंगे। मुंह से बेकार बातें मुझे पसंद नहीं। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि दोपहर का खाना खाया जा सके, सरला ने झुंझला कर कहा। बस इतनी सी बात, रमेश मुस्कुरा कर बोला। इसका तो बहुत ही सरल उपाय है, वो सामने पुराने अखबारों का जो ढेर है उसे बेच दो। मेरा अनुमान है कि यदि कम मूल्य पर बिके तब भी 10 रुपये तो अवश्य ही मिल जाएंगे। नरक में गए तुम्हारे अखबार, सरला ने क्रोधित होकर कहा। तुम अपनी तनख्वाह के रुपए तो खर्च ही कर डालते हो, मेरी तनख्वाह का भी अधिक भाग तुम्हारे ही ऊपर खर्च हो जाता है, और महीने की अंतिम तारीखों में यहाँ तक दशा पहुँच जाती है कि बैठ जाओ, रमेश ने उसकी बात काटते हुए अत्यंत कोमल तथा मधुर स्वर में कहा। कौन उल्लू का पट्टा कहता है कि तुम अपनी कमाई के रुपए मुझ पर खर्च किया करो। आखिर तुम मेरी कौन हो, तुम मेरे फ्लैट में क्यों आती हो। मैं जब भी तुमसे कुछ उधार लेता हूँ ईमानदारी से वापस कर देता हूँ। अगर तुम्हारी एक पाई भी मुझ पर बाकी हो तो बताओ। रमेश इतना कहकर चुप हो गया और एक पुस्तक उठाकर फिर पढ़ने लगा। सरला की भ्रुकुटियाँ तन गई, ललाट पर क्रोध की रेखाएं उभर आई और नेत्र लाल हो गए। किंतु फिर कुछ क्षण बाद वह इस प्रकार नेत्र फाड़ने लगी और उसके नतने ऐसे फड़कने लगे जैसे आंसू रोकने का प्रयत्न कर रही हो। थोड़ी देर तक वह इसी दशा में बैठी रही, फिर उठकर पैर पटकती हुई कमरे से बाहर चली गई। रमेश पुस्तक अवलोकन में मग्न था। वह एक समाचार पत्र का क्राइम रिपोर्टर था और उस समाचार पत्र में स्थायी रूप से वह जासूसी उपन्यास की किस्तें भी लिखा करता था। सच पूछिए तो उस समाचार पत्र का सब कुछ वही था। अगर यह उस समाचार पत्र के कार्यालय से हट जाता तो दूसरे ही दिन उस समाचार पत्र का सर्कुलेशन आधे से भी कम हो जाता। यही कारण था कि एडिटर से लेकर प्रोपराइटर तक उसकी मुट्ठी में था। वह एक सफल जासूस भी था।
शहर का कदाचित ही कोई पुलिस अफसर उसे बचा रहा हो, वरना वह सबके दो चार गुप्त भेद अवश्य जानता था। बस ये समझ लीजिए कि लगभग सबकी ही दुखती रख पर उसका हाथ था। यही कारण था कि पुलिस वाले उस साहसी नवयुवक क्राइम रिपोर्टर से जलते थे। बहुत सी रहस्यपूर्ण घटनाओं में उसने पुलिस वालों की सहायता भी की थी और उन्हें मार्ग भी दिखाया था। इंस्पेक्टर फरीदी की अनुपस्थिति में तो उसकी पांचों उंगलियां घी में थी, गुप्त विभाग वाले भी उसके हाथों खिलौना बनकर रह गए थे। रमेश एक लापरवाह और अल्लड़ प्रकृति का युवक था, जिसने अपना जीवन एक वकील की हैसियत से आरंभ किया था, किंतु कुछ ही दिनों बाद सब कुछ छोड़कर इस मार्ग पर आ निकला था। उसका पिछला जीवन शुष्क तथा निराशापूर्ण था, इसीलिए वह अतीत के धुंधलकों में झांकने का भी साहस नहीं करता था। अब तो वह यह भी भूल गया था कि उसके माता पिता कौन थे और कहाँ थे या नहीं। वह संसार में अब अकेला था, उसे केवल कारनामों से प्यार था। सरला उसी समाचार पत्र के ऑफिस में टाइपिस्ट थी, वह न जाने क्यों रमेश के इतने समीप आ गई थी। इन दोनों के फ्लैट भी बराबर ही थे, केवल बीच में एक दीवार थी। सरला भी रमेश की तरह इतने बड़े संसार में अकेली थी। उसने अपने संबंध में कुछ नहीं बताया था। जब भी रमेश ने उससे उसके जीवन के संबंध में पूछा, तब उसने यही उत्तर दिया कि समय आने पर सब कुछ मालूम हो जाएगा। इन दोनों की प्रकृति में भी काफ़ी समानता थी। दोनों इस विस्तृत संसार में अकेले थे, दोनों साहसी थे, दोनों को पुराने समाज से घृणा थी। मध्यम श्रेणी की साफ सुथरी किंतु घिनौनी जिंदगी दोनों को नापसंद थी। कदाचित प्रकृति की इन्हीं समता से ये दोनों एक दूसरे के इतने समीप हो गए थे। ये दोनों प्रायः आपस में लड़ भी जाते थे, और कभी ये लड़ाई इतनी भीषण हो जाती कि दोनों अपने अपने विचार से यह मानने पर विवश हो जाते कि अब वे जीवन भर एक दूसरे से नहीं बोलेंगे। किंतु उनका यह विचार गलत हो जाता। परिस्थितियां उनके प्राण की धज्जियां उड़ा देती और फिर वे इस प्रकार बोलने हंसने लगते मानो कुछ हुआ ही नहीं था। न जाने क्यों केवल एक बात पर सरला रमेश से बहुत अधिक चिढ़ा करती थी, वह यह कि रमेश बहुत अधिक खर्च करता था। जब उसके पास रुपए होते तो नेत्र बंद करके उड़ाता फिरता, बेकार, निस्वार्थ। और जब रुपए समाप्त हो जाते तो कभी अंगूठी बेची जाती, कभी घड़ी, और अंत में रद्दी कागजों तक बात पहुँच जाती। उधार लेने में वह नंबर ही था, किंतु रुपया मिलने पर सर्वप्रथम वह कर्ज चुकाने की चिंता करता। समाचार पत्र की आमदनी के अतिरिक्त प्राइवेट केसों से भी उसे काफ़ी पैसे मिलते रहते थे। शहर के धनवान तथा प्रतिष्ठित लोग जिस मामले की इंक्वायरी किसी कारणवश पुलिस से कराना नहीं चाहते थे, उसे उसी को सौंप दिया करते थे, और काम हो जाने पर उसको प्रसन्न होकर यथोचित कर देते थे। यदि वह चाहता तो बड़ी शान से अपना जीवन व्यतीत कर सकता था, किंतु अपनी लापरवाही तथा अंधाधुन खर्च के कारण सदा धनहीन रहता था। उसके व्यक्तित्व में लापरवाही का विशेष स्थान था। इस समय भी उसे इस बात का ध्यान नहीं था कि एक घंटे बाद उसे दफ्तर जाना है। तुमसे एक औरत मिलना चाहती है, सरला ने द्वार पर आकर कहा। किंतु मैं किसी स्त्री अर्थात औरत से मिलना नहीं चाहता, रमेश ने कहा। लेकिन वह तुम्हें जानती है। मुझे बहुत सी औरतें जानती है, तो मैं उससे क्या कह दूँ? कह दो कि मैं नहीं मिलना चाहता। सरला चली गई, किंतु थोड़ी देर बाद एक स्त्री कमरे में प्रविष्ट हुई। देखने में वह धनाढ्य घर की मालूम हो रही थी। श्वेत सिल्क की साड़ी, शरीर पर समूर का लंबा कोट और गले में हीरो का बहुमूल्य हार, अधरों पर गहरी लिपस्टिक, नेत्रों में आकर्षण तथा मादकता। कमरे में आकर वह ठिटक गई। रमेश पुस्तक पढ़ने में मग्न था। आहट सुनकर वह पुस्तक से दृष्टि हटाए बिना ही बोला, अब क्या है? ओह रमेश, वह हिचकिचाती हुई बोली। रमेश चौंक पड़ा। ओह शारदा, तुम कैसे कष्ट किया, रमेश ने कटाक्ष किया। शारदा को रमेश के इस कटाक्ष का ज्ञान हो गया, किंतु अवसर उपयुक्त न देखकर वह चुप रही। प्रथम इसके कि रमेश उसे बैठने को कहे, वह स्वयं ही एक कुर्सी पर बैठ गई। कदाचित आज 5 साल बाद हम लोग मिल रहे हैं, शारदा ने कहा। किंतु 5 साल बाद मिलने का कारण, रमेश ने व्यंगात्मक स्वर में कहा। रमेश, इस समय मैं बड़ी दुखी हूँ। इतने बहुमूल्य हार और समूरी कोट में भी तुम अपने को दुखी समझती हो, रमेश, शारदा ने तीव्र स्वर में कहा। मैं तुमसे सौदा करने आई हूँ। तब तो करो, रमेश ने लापरवाही से कहा। मेरे पति अपनी स्मरण शक्ति खो बैठे हैं, तो मैं क्या करूँ? मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ। मुझे पूरी बात कह लेने दो, शारदा ने गरज कर कहा। वह 3 दिन से गायब है। मैं चाहती हूँ कि तुम उन्हें तलाश करो।
ये काम तो पुलिस भली प्रकार कर सकती है, रमेश ने कहा। मैं इसे उचित नहीं समझती। क्या इसलिए कि तुम्हारा पति दिवालिया हो चुका है? क्या मतलब? शारदा ने चौंक कर कहा। कोई विशेष बात नहीं, हर धनवान आदमी दिवालिया होने से पहले अपनी स्मरण शक्ति खो बैठता है। किसी से बदला लेने का यह ढंग बड़ा नीच है, शारदा ने कहा। कैसा बदला? रमेश ने आश्चर्य से पूछा। खैर, मैं विवश होकर तुम्हारे पास आई हूँ, नहीं तो तुम्हारे दर्शन के लिए मैं तड़प तड़प कर मर जाता, रमेश ने फिर चोट की। बस हद हो गई, शारदा ने चीख कर कहा और उठकर खड़ी हो गई। धन्यवाद, रमेश भी उठता हुआ बोला। शारदा थोड़ी देर तक खड़ी रमेश को घूरती रही, फिर उसके नेत्रों में आंसू आ गए। वह स्वयं बैठ गई और सिसकियाँ ले लेकर रोने लगी। रमेश खड़ा खड़ा उसे देखता रहा, फिर न जाने क्या सोचकर उसने शारदा से पूछा, क्या यह पहली घटना है? नहीं, पिछले वर्ष भी ऐसा ही हुआ था, शारदा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। गायब हो गए थे? नहीं, उनके एक मित्र ने उन्हें घर तक पहुंचा दिया था। होटल में बैठे बैठे अकस्मात वह अपनी स्मरण शक्ति खो बैठे थे। उस मित्र का नाम और पता तुम्हें मालूम है? नहीं। कितने दिनों तक उनकी ये दशा रही है? 3 दिन तक। उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो गए थे। और इस बार क्या हुआ? क्या उनके गायब हो जाने से पहले तुमने उनका पूरे तौर से ध्यान रखा था? हाँ, किंतु परसों रात जरा सी मेरी आँख लग गई और वह निकल गए। क्या इधर उनकी आर्थिक दशा खराब हो गई थी? रमेश ने पूछा। बिल्कुल नहीं, आज से 15 दिन पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि उसे कपड़ा सीने की मशीनों के कारण काफ़ी लाभ हुआ है। तुम लोगों के आपस के संबंध में कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है? नहीं। क्या कोई ऐसी स्त्री और भी है जो तुम्हारे पति से अधिक संसर्ग रखती है? कोई नहीं, शारदा ने जल्दी से कहा। आखिर तुम यह क्यों पूछ रहे हो? इसे मैं समझता हूँ, रमेश ने कहा। अच्छा, ये बताओ कि तुम पुलिस में इसकी रिपोर्ट क्यों नहीं कराना चाहती हो? इस भय से कि इस बात के उड़ते ही कुछ लोग बेईमानी करने पर तैयार हो जाएंगे। कौन लोग? उनके साझीदार। मुझे उन लोगों के पते नोट करा दो, रमेश ने कहा। शारदा पते बोलती रही और रमेश लिखता रहा। काम तो आरंभ कर रहा हूँ, किंतु खर्च? रमेश ने पूछा। शारदा ने अपना बैग खोलकर नोटों का एक बंडल निकाला और उसे मेज पर रखती हुई बोली, ये 500 रुपये इस समय ले लो, शेष 500 रुपये काम होने पर दूंगी। रमेश ने नोटों का बंडल उठाकर जेब में रखते हुए कहा, मैं कल किसी समय तुमसे मिलूंगा। आजकल कहाँ रहती हो? ऑस्कर स्ट्रीट नंबर 13, फ़ोन नंबर 342। अच्छा, रमेश ने उठते हुए कहा। शारदा चली गई। रमेश फिर पुस्तक पढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद सरला आई और चीख कर बोली, ए रमेश। क्या है? रमेश ने मुस्कुराकर कहा। रद्दी बेचने वालों को तुम्हारी रद्दी की आवश्यकता नहीं। जाने दो, लो इस रद्दी को बेचाओ। रमेश ने जेब से निकालकर नोटों का बंडल उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा। ओह, ये क्या? सरला ने गरज कर कहा। वह स्त्री कौन थी? एक स्वार्थीन, रमेश ने मुस्कुराकर कहा। जो काम वह मुझसे लेना चाहती है ये उसकी आधी मजदूरी है। आखिर वह थी कौन? एक स्त्री जिसे 5 वर्ष पहले मैं प्रेम करता था। ओह, तो ये वही शारदा थी जिसने तुम्हें इस दशा को पहुंचा दिया? किस दशा को? रमेश ने पूछा। यही बेढंगा और रुखा सुखा जीवन, सरला ने कहा। लेकिन मैं तो ऐसा नहीं समझता। तुम कदाचित ये सोच रही हो कि मैं अपना जीवन एक असफल प्रेमी की भांति व्यतीत कर रहा हूँ, किंतु ये तुम्हारी भूल है। उसकी कल्पना भी मेरे लिए अपमान का कारण है। एक स्त्री के लिए? छी छी। सरला कुछ देर तक खड़ी रही, फिर नोटों का बंडल रमेश की तरफ फेंकते हुए बोली, ये लो रखो, मैं तुम्हारी कौन होती हूँ? ये सच है कि तुम मेरी कोई नहीं हो, रमेश ने कहा। लेकिन अगर तुम ये नोट अपने पास नहीं रखोगी तो मैं दीवार से टकरा कर तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। वह तुमसे क्या काम लेना चाहती है? सरला ने पूछा। उसका पति खो गया है, उसे तलाश करना है। ओह, तो ये ढोंग रचाकर वह तुम पर फिर से डोरे डालना चाहती है? ये बात नहीं, उसका पति किशोर वास्तव में खो गया है, रमेश ने कहा। रह गई डोरे डालने की बात, तो वह यह है कि वह मेरी क्लास फेलो थी। उसने मुझ पर डोरे डाले और मैं फंस गया, किंतु फिर उसने एक धनवान व्यक्ति को फांस लिया और मैं LLB की डिग्री लेकर। दुख तो बड़ा हुआ होगा, सरला ने उसकी बात काटते हुए कहा। दुख क्यों? जब तक वह मुझसे प्रेम करती है मैं भी उससे प्रेम करता रहा। जब तक उसने मुझे छोड़ दिया तो मैं भी उसे भूल गया। इस प्रकार जब तुम्हारा ब्याह हो जाएगा तो मैं तुम्हें भी भूल जाऊंगा। तुम
उसके रुपए वापस कर दो, मैं रद्दी बेच लाऊंगी। क्यों? इसलिए कि इस प्रकार वह तुमसे फिर करीब हो जाएगी और तुम फिर से उससे प्रेम करने लगूंगा, यही ना? रमेश ने उसकी बात पूरी करते हुए कहा। अगली, दूध का जला मट्ठी को भी फूक फूक कर पीता हूँ। जाओ सिगरेट लाओ और सबके कर्ज को चुका दो। और हाँ, अपने लिए एक सूट का कपड़ा भी खरीद लेना, हम लोग आज एक बड़े होटल में भोजन करेंगे। रमेश ने नोटों का बंडल उसकी ओर बढ़ा दिया। सरला ने नोटों का बंडल हाथ में लेते हुए कहा, मुझे नहीं चाहिए सूट, मैं तुम्हारी कौन होती हूँ? और पैर पटकती हुई कमरे से बाहर चली गई। रमेश ने वह कागज जेब से निकाला जिस पर शारदा ने पते लिखवाए थे। वह देर तक नामों और पतों को देखता रहा, फिर उठकर बाल ठीक किए, टाई की गार्ड ठीक की, दूसरा कोट पहना और सरला की प्रतीक्षा करने लगा। रमेश ने मोटरसाइकिल निकाली और किशोर के दफ्तर की तरफ चल पड़ा। दफ्तर पहुंचने पर थोड़ी देर तक उसे ललित की प्रतीक्षा करनी पड़ी, जो किशोर का साझेदार था। लगभग 12 बजे ललित आया। यह भी किशोर की भांति शहर के इन्हीं गिने धन्यवान व्यक्तियों में से था। मैं किशोर जी से मिलना चाहता हूँ, रमेश ने उससे कहा। क्यों? उसने रमेश को घूरते हुए कहा। एक आवश्यक कार्य है, वह कहीं बाहर गए हुए हैं। किंतु मुझे तो सूचना मिली है कि वह यही कहीं है। हो सकता है, ललित ने कहा और अपने कमरे में चला गया। रमेश भी उसके पीछे कमरे में दाखिल हुआ। ललित क्रोधावेश में उसकी ओर मुड़ा, किंतु प्रथम इसके कि वह कुछ कहता, रमेश ने पूछा, पिछले साल जब किशोर जी की स्मरण शक्ति खो गई थी तो आप कहाँ थे? ललित चौंक कर उसे घूरने लगा और कुर्सी पर बैठता हुआ बोला, क्यों? अपनी जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ, जिसमें पुलिस काफ़ी रुचि ले रही है। आप है कौन? ललित ने चकित होकर कहा। ईश्वरी दूत, यदि आप सभ्यता से बात नहीं करेंगे तो मैं आपको धक्के देकर यहाँ से निकलवा दूंगा, ललित गरज कर बोला। मैं आपको इसका कष्ट नहीं दूंगा, रमेश ने उठते हुए कहा। हाँ, एक बात आपसे यह अवश्य कहूँगा कि 12 टन लोहे की चोर बाजारी के सिलसिले में अब पुलिस आप में काफ़ी दिलचस्पी लेगी। रमेश जाने के लिए मुड़ा। ठहरिए, ललित ने कंपित स्वर में कहा। उसका मुख श्वेत पड़ गया था। उसने रमेश को बैठने का संकेत किया। रमेश बैठ गया। वो अपनी नज़र बचाकर ललित के नेत्रों में बराबर कुछ देखने का प्रयत्न कर रहा था। आपको किशोर की स्मरण शक्ति खो जाने के संबंध में कैसे मालूम हुआ? ललित ने घबराए हुए स्वर में कहा। इस बात को मेरे और किशोर की पत्नी के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। तो आप ही ने उन्हें होटल से घर तक पहुंचाया था? रमेश ने पूछा। जी हाँ, मगर क्या इधर भी उन पर किसी प्रकार का दौरा पड़ा था? मैं नहीं जानता। आपको ये कैसे मालूम हुआ कि वह आजकल बाहर गए हुए हैं? उनकी पत्नी ने मुझे ये सूचना दी थी। वह स्वयं कुछ नहीं कह गए? जी नहीं, ललित ने कहा। किंतु आप है कौन? रमेश, स्टार का क्राइम रिपोर्टर। ओह, ललित ने उसे घृणात्मक दृष्टि से देखते हुए कहा। आप उनके घनिष्ठ मित्रों में से है? हाँ, लेकिन अब मेरे पास समय नहीं है। समय तो मेरे पास भी नहीं है, रमेश ने कहा। क्या किशोर का किसी स्त्री से अनुचित संबंध भी है? चपरासी, ललित चीखा। अच्छा, कदाचित मैं फिर लौट कर आऊँ, रमेश ने कहा और कमरे से निकल आया। थोड़ी दूर चलने के बाद वह फिर लौटा और चिकचिका कर बोला, किंतु मेरे पास इसका पूरा सबूत मौजूद है कि आजकल तुम लोग चोर बाजारी कर रहे हो। नीचे आकर रमेश ने अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट की। उसके मस्तिष्क में यह विचार गूंज रहा था कि शारदा ने साफ साफ ये क्यों नहीं बताया कि पिछले साल ललित ही उसके पति को होटल से घर लाया था। ललित उसका साझेदार है और घनिष्ठ मित्र भी। ऐसी दशा में यह कैसे संभव है कि शारदा ललित को न जानती हो? क्या वह भूल गई या उसने जानबूझकर ललित का नाम नहीं लिया? और यदि पिछली बात सत्य है तो इसका क्या कारण हो सकता है? मोटरसाइकिल एक नाइट क्लब के सामने रुक गई। रमेश चपरासी को सलाम लेता हुआ मैनेजर के कमरे में चला गया। एक बड़ी सी मेज पर घुनिया टेके एक अधेड़ अवस्था का आदमी ऊँग रहा था। पगों की ध्वनि सुनकर वह चौंक पड़ा। कहिए, वह उठता हुआ बोला, ओह मिस्टर रमेश, मैं कहता था ना कि आप इस क्लब को कभी नहीं भूल सकते। किसी ने क्या खूब कहा है कि शराब के अनुचित व्यवसाय से प्रेमिका के माता पिता सदा प्रसन्न रहते हैं, रमेश ने उसकी बात पूरी करते हुए कहा और एक कुर्सी पर बैठ गया। मिस्टर रमेश, मैं आपकी आवाज़ सुनने को तरस गया था। मेरी आवाज़ रसीली है ना? रमेश ने झुक कर धीरे से कहा। किशोर यहाँ कब से नहीं आया? मैं किसी मेंबर के संबंध में कुछ नहीं बता सकता, मैनेजर ने कहा। पिछली बार उसके साथ कौन स्त्री थी? रमेश ने मैनेजर को घूरते हुए पूछा। स्त्री?
ये आप क्या कह रहे हैं, ये तो केवल पुरुषों का क्लब है, यहाँ स्त्री का क्या काम? ये मैं जानता हूँ, रमेश ने मुस्कुराकर कहा। फिर भी इसी समय इस इमारत से मैं 5-6 स्त्रियों को बरामद कर सकता हूँ जिनसे तुम पेशा कराते हो। मिस्टर रमेश, आप एक भद्र पुरुष का अपमान कर रहे हैं, मैनेजर ने चीख कर कहा। इस बात को सत्य प्रमाणित करने के लिए मैं आसिफ को फोन पर भी बुलाता हूँ, रमेश ने उठकर फोन की तरफ बढ़ते हुए कहा। तो इसमें नाराज होने की क्या बात है, मैनेजर ने फोन पर अपने दोनों हाथ रखते हुए कहा। कहिए, चाय मंगवाओ या कॉफी? हाँ, तो किशोर के साथ कौन स्त्री थी, रमेश ने फिर पूछा। कोई स्त्री नहीं थी, यहाँ के पते पर उसके पत्र भी आते हैं, ये तो क्लर्क को मालूम होगा, उसे बुलवाओ, मैनेजर ने घंटी बजाई। चपरासी अंदर आया। मैनेजर ने उसे क्लर्क को बुलाने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद एक दुबला पतला युवक कमरे में आया। सेठ किशोर जी के नाम यहाँ पत्र आते हैं, रमेश ने उससे पूछा। क्लर्क मैनेजर की ओर देखने लगा। मिस्टर रमेश, मेंबरों की हर बात गुप्त रखी जाती है, मैनेजर ने कहा। मेरे प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर दो, नहीं तो मैनेजर के साथ तुम भी विपत्ति में फंस जाओगे, रमेश ने क्लर्क पर रोक डालते हुए उससे कहा। जी हाँ, प्रायः उनके नाम पत्र आया करते हैं, क्लर्क ने हिचकिचाते हुए कहा। कौन भेजता है? पता नहीं, लेकिन ये बता सकता हूँ कि लिफाफे बहुधा दौलत के दौलतगंज के डाकखाने में पोस्ट किए जाते हैं। ये तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मैं उनके हर लिफाफे की मोहर देखता हूँ। तो इसका अर्थ ये हुआ कि तुम सबकी टो में रहते हो? जी नहीं, क्लर्क ने घबरा कर कहा। बात यह है कि किशोर जी के नाम आने वाले लिफाफे एक ही तरह के होते हैं, रंगीन, सुगंधित और जनानी लिखावट, इसीलिए मैं उन्हें विशेष रूप से देख लेता हूँ। वह भी यहाँ से किसी की पत्र लिखते हैं? मुझे नहीं मालूम, किंतु प्रायः उन्होंने यहाँ से दौलतगंज के पते पर पार्सल अवश्य भेजे है। किसी स्त्री के नाम? रमेश ने पूछा। जी नहीं, पुरुष के नाम। नील भवन दौलतगंज में मोहन बाबू कोई महाशय है। नील भवन तो बहुत बड़ी इमारत है, फ्लैट का नंबर याद है या नहीं, रमेश ने पूछा। जी नहीं, क्लर्क ने उत्तर दिया। अच्छा, रमेश ने उठते हुए कहा। थोड़ी देर बाद उसकी मोटरसाइकिल दौलतगंज वाली सड़क पर दौड़ रही थी। 20 मिनट के बाद वह नील भवन का एक फ्लैट झांकता फिर रहा था। एक स्थान पर वह रुक गया। द्वार पर एक तख्ती लगी थी जिस पर लिखा था मोहन एंड कंपनी। रमेश ने द्वार को धीरे से हिलाया। एक आदमी द्वार खोलकर बाहर झांकने लगा। कदाचित वह कमरे की सफाई कर रहा था। मोहन बाबू है? रमेश ने पूछा। बाहर गए हुए हैं। कब वापस आएंगे? मैं नहीं जानता, बीबी जी से पूछिए। कहाँ है बीबी जी? ऊपरी श्रेणी पर, उसने एक सीढ़ी की ओर संकेत करते हुए कहा। रमेश और कुछ कहे बिना सीढ़ियों पर चढ़ता चला गया। यहाँ भी द्वार बंद था। रमेश ने द्वार पर आवाज़ दी। ओह, ठहरो भाई, एक मिनट। अंदर से किसी स्त्री की मधुर ध्वनि आई। थोड़ी देर बाद एक झटके से एक द्वार खुला। एक सुंदर सी लड़की सामने खड़ी थी और फिर अचानक चीख मार कर अंदर भाग गई। रमेश खुले हुए द्वार की ओर मुंह किए उसी प्रकार खड़ा रहा। वो विचार कर रहा था कि अब वह क्या करे। वह लड़की फिर दिखाई दी। इस बार उसने एक लिबादा पहन रखा था और उसके घुंघराले केश कंधों पर लहरा रहे थे। उसके मुख पर क्रोध और घृणा की छाया थी। क्या है? वो द्वार के पास आकर बोली। मुझे मोहन बाबू से मिलना है, वो घर पर नहीं है। कब आएंगे? एक सप्ताह बाद, लड़की ने कहा। ओह, तो कदाचित इसी कारण आप इस समय किशोर बाबू की प्रतीक्षा कर रही थी। लड़की डर कर एक पग पीछे हट गई। उसका मुंह पीला पड़ गया था। आप वह अपने सूखे अधरों पर जबान फेरने लगी। मैं किशोर का छोटा भाई हूँ, रमेश ने कहा। अंदर आ जाइए, अंदर, वह व्यग्र होकर बोली। रमेश कमरे में चला गया। लड़की ने द्वार बंद कर दिया। बैठ जाइए, उसने जल्दी से कहा और फिर चुप हो गई। कदाचित वह सोच रही थी कि अब उसे क्या करना चाहिए। रमेश उसे बराबर घूरे जा रहा था। सहसा वह रुक रुक कर कहने लगी। देखिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, अपने पिता से न कहिएगा, मैं किशोर को हृदय से चाहती हूँ, उनके बिना मैं एक पल भी जीवित नहीं रह सकती। वह चुप हो गई, किंतु फिर क्षण भर बाद तीव्र स्वर में बोली, मगर किशोर तो कहते थे कि उनका भाई नहीं। तो उनके पिताजी कहाँ है? रमेश मुस्कुराकर बोला। पिता नहीं है? वह उछल कर बोली। तो तुम मोहन की स्त्री नहीं हो? रमेश ने अचानक पूछा। नहीं, लेकिन क्यों? हाँ, वह रुक रुक कर बोली, मैं सब कुछ जानता हूँ। किशोर कभी भी तुमसे बयान नहीं करेगा।
तुम झूठे हो, वो मुझसे अवश्य विवाह करेंगे। केवल उन हीरो की देर है जिन्हें तराशवाने के लिए उन्होंने एम्स्टर्डम भेजे है। अच्छा, रमेश मुस्कुराते हुए बोला, उसके पास बिना तराशवाए हुए हीरे भला आए कहाँ से? आप तब तो अवश्य तुम उनके भाई नहीं हो, लड़की ने हंसकर कहा, जबकि इतना भी नहीं जानते कि वह दक्षिण में एक हीरे के कान के मालिक है। अच्छा, रमेश के नेत्र आश्चर्य से फैल गए, क्योंकि उसके लिए एक बिल्कुल नई सूचना थी। ही, वह रमेश के सामने उंगली नचाकर हंसती हुई बोली, तुम उनके कोई असाधारण मित्र मालूम होते हो। मैं तुम्हें चाय पिलाए बिना यहाँ से नहीं जाने दूंगी, किंतु मेरे संबंध में किसी से कुछ कहना ना। किशोर यहाँ कब से नहीं आए? रमेश ने पूछा। नहीं बताती, पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो, उसने चंचलता प्रकट करते हुए कहा। किशोर का एक गहरा मित्र, देखा कैसा पहचाना, वह हंसकर बोली, फिर गंभीर होकर कुछ सोचने लगी। किशोर कल आए थे? रमेश ने पूछा। नहीं, वो 4 दिन से नहीं आए, मैं आज प्रातःकाल ही से उनकी राह देख रही हूँ। उन्होंने कल आने का वादा किया था? उफ, मैं उन्हें कितना चाहती हूँ। ठीक है, रमेश ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? उषा, मैं एक लड़की हूँ। तुम्हारे माता पिता कहाँ है? मेरे माता पिता बचपन ही में मर गए थे, किशोर और मोहन मुझे मेरे जालिम चाचा के पंजे से छुड़ाकर यहाँ लाए हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि तुम भगाकर लाई गई हो? रमेश ने कहा। नहीं, मैं अपनी खुशी से यहाँ आई हूँ, वो गरज कर बोली। तुम्हारे चचा कहाँ रहते हैं? ये मैं नहीं बताऊँगी, तुम्हारी इच्छा, रमेश उठता हुआ बोला। तुम एक बहुत बड़े धोखे में हो, जाओ, तुम मुझे बहकाने आए हो, वह बिगड़ कर बोली। मूर्ख लड़की, किशोर विवाहित है, आज से 5 वर्ष पहले उसका ब्याह हो चुका है, वह तुमसे कभी ब्याह नहीं करेगा। उसने तुमसे ये कहकर तुम्हें धोखे में रख छोड़ा है कि वह अपने पिता के भय से तुमसे ब्याह नहीं कर रहा है, लेकिन उसका पिता न जाने कब का मर चुका है। उसने तुम्हें यहाँ मोहन की पत्नी के रूप में रख छोड़ा है ताकि पड़ोसियों को कोई बाधा न हो और वह संसार के नेत्रों में धूल झोंककर अय्याशी करता रहे। मुझे तुम्हारी दशा देखकर दुख हो रहा है। तुम झूठे हो, चले जाओ यहाँ से, लड़की चीखकर बोली। रमेश चुपचाप नीचे उतर आया। वापसी में उसे रह रहकर शारदा पर ताव आ रहा था। वह सोचने लगा कि इस प्रकार शारदा अपने पति के चाल चलन का पता लगा रही है। नीच, यदि सरला के वे रुपये खर्च न किए होंगे तो वह अभी चलकर उन्हें शारदा के मुख पर दे मारेगा और उसे किशोर के संबंध में कुछ भी नहीं बताएगा। 2 बज रहे थे। रमेश ने सरला को ऑफिस से साथ लिया और एक रेस्टोरेंट में चला गया। हम किसी बड़े होटल में न जा सकेंगे? सरला ने कहा। मैं भी यह कहने वाला था, रमेश ने कहा। इस रेस्टोरेंट में इसलिए आया हूँ कि यहाँ उधार भी मिल जाता है। इसकी आवश्यकता नहीं, सरला ने कहा। मैंने कुछ रुपये पेशगी ले लिए हैं, तुम्हें शारदा के रुपये वापस कर देने पड़ेंगे। मैंने भी यही निश्चय किया है। अरे ये क्या, आज कदाचित प्रथम बार तुमने मेरा कहना माना है, सरला ने कहा। शारदा ने मुझे मूर्ख बनाने का यत्न किया था, रमेश ने कहा। उसे कदाचित अपने पति के आचरण पर शक हो गया था, उसी को प्रमाणित करने के लिए उसने ढोंग रचा है। लेकिन फिर भी आज की दौड़ धूप मुझे कुछ महंगी नहीं पड़ी, मैं किशोर से काफ़ी रकम ऐंठ लूँगा। उसने गरीबों का गला घोट घोट कर जो धन जमा लिया है उसमें इस गरीब का भी कुछ तो हिस्सा होना चाहिए। तो तुम उसे ब्लैकमेल करोगे? हाँ। इसके बाद रमेश ने किशोर की सारी कहानी सरला को सुना दी। तो बेचारी लड़की उषा का क्या होगा? सरला ने पूछा। जब मैं किशोर से काफ़ी रकम वसूल कर लूँगा तो मोहन को उषा से ब्याह करना पड़ेगा, और यदि उसने ऐसा नहीं किया तो उसे जेल की हवा खानी पड़ेगी। सरला कुछ कहने ही जा रही थी कि इंस्पेक्टर आसिफ आ पहुँचा। तुम यहाँ हो और मैं तुम्हारे दफ्तर में गया था, उसने रमेश से कहा, लेकिन मैं तुम्हें लंच के लिए आमंत्रित नहीं करूँगा क्योंकि रकम कम है। नर्क में गया लंच, आसिफ ने छिड़कर कहा। तुमने फिर हाथ पैर निकालने शुरू कर दिए हैं, नाइट क्लब के मैनेजर ने तुम्हारी शिकायत की है, तुम वहाँ क्या करने गए थे? अंडे सप्लाई करने, रमेश ने गंभीरता के साथ कहा। मालूम होता है उसने मुर्गियाँ हटा दी है, नहीं तो वह तुम्हें कभी कष्ट नहीं देता। खैर, मैं उससे समझ लूँगा। देखो, ये मेरी अंतिम चेतावनी है, आसिफ ने तीव्र स्वर में कहा। और दूसरी अंतिम चेतावनी कब दोगे? रमेश ने पूछा। सरला हंस पड़ी और आसिफ चिढ़ गया। वह आंखें निकालकर रमेश को घूरने लगा और रमेश सरला को देखकर मुस्कुरा रहा था, जो दूसरी ओर मुख कर हंसी रोकने की चेष्टा कर रही थी। खैर, देखा जाएगा, आसिफ क्रोध में जाने के लिए मुड़ा। देखने पर कोई प्रतिबंध नहीं, जय हिंद,
रमेश ने कहा और भोजन करने लगा। भोजन समाप्त करने के बाद दोनों फिर ऑफिस चले गए। 5 बजे घर आए। रमेश ने फिर पुस्तकें उलटनी आरंभ कर दी। मैं कहती हूँ कि तुम्हारा भेजा खराब हो जाएगा जब देखो पुस्तकें, सरला ने कहा। वो तो खराब हो चुका है, रमेश ने कहा, किंतु न जाने तुम इस समय इतनी सुंदर क्यों लग रही हो। सिगरेट न होगी, सरला ने मुँह चिढ़ाकर कहा। मैं तो तुम्हें उसी समय सुंदर लगती हूँ जब तुम्हारी जेब में पैसे नहीं होते। क्या कहा, मेरी जेब में पैसे नहीं है, रमेश चौंक कर बोला। मैं अब शारदा के रुपए नहीं वापस करूँगा। वह तो तुम्हें वापस करने ही होंगे, सरला ने बिगड़ कर कहा। तुमने फिर मुझ पर आज्ञा चलानी आरंभ कर दी, रमेश उठता हुआ बोला और सरला का कान पकड़कर उसे कमरे से बाहर निकाल दिया। अब मैं तुम्हारे कमरे में थूकने भी नहीं आऊँगी, सरला ने मुंह फुलाकर कहा। अच्छी बात है, मत आना, कमरे में थूकने से गंदगी फैलती है, रमेश ने कहा और कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। और थोड़ी देर के बाद जैसे ही रमेश ने पढ़ने के लिए दूसरी पुस्तक उठाई, टेलीफोन की घंटी बज उठी। उसने बैठे ही बैठे रिसीवर उठाकर कान में लगा दिया। टेलीफोन पर बात करने के बाद वह तेजी से सरला के फ्लैट में गया। क्यों, क्या है, सरला ने गरज कर कहा। तुम्हारे कमरे में थूकने आई हूँ, रमेश ने कहते हुए कमरे में थूक दिया। अभी 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 मैंने सफाई की थी, सरला ने बिगड़ कर कहा। कोई बात नहीं, सुनो, एक काम तुम्हें शीघ्र करना है। दौड़कर तुम्हारे लिए सिगरेट लेती आऊँ, यही ना, मैं नहीं जाऊँगी। सुनो तो सही, रमेश ने गंभीरता से कहा। अभी अभी शारदा ने मुझे फ़ोन पर बताया है कि उसके पति किशोर ने तारजाम के इलाके में आत्महत्या कर ली है। मैं शारदा के साथ जा रहा हूँ, तुम दौलतगंज चली जाओ और नील भवन में जाकर उषा से मिलो और किशोर की आत्महत्या का समाचार सुनाकर उसे फौरन किसी होटल में पहुँचा दो, उसका जीवन खतरे में है।